अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो है राखी सावंत का उमरा का वीडियो। राखी सावंत का उमरा का वीडियो। अब राखी सावंत ने उमरा की है और उसने कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं मदीने से, जिसमें वो सेल्फी ले रही है लोगों के साथ और मक्का शरीफ और अबतुल्ला के सामने भी उसने फ़ोटो खींचे है, रिवाजी सलमी के साथ भी फ़ोटो खींचे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों की कमेंट्स कुछ मिलजुली राय ओपिनियन आ रही है, तो चलिए देखते हैं लोग क्यों इस तरीके की ओपिनियन ओपिनियन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खुश रंग। राखी सावंत को देखा गया उमरा पे जाते हुए, यही नहीं बल्कि राखी सावंत ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे शेयर की जहाँ पे उमरा करने के बाद भी उनके कुछ फैंस उन्हें मिले, जहाँ पे वो नजर आई अपनी कुछ पिक्चर्स बनवाते हुए, जिससे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया। लोगों का यही कहना था कि राखी सावंत जिस तरह से इंडिया में इस्लाम का मजाक बनाते हुए नजर आई है, उसी तरह वो मदीने में भी वही काम कर रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सो चले आप राखी सावंत की कम्प्लीट वीडियो देखें। जी तो यहाँ पे आपने देखी राखी सावंत की वीडियो। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा। राखी सावंत और इस तरह के अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। अगली वीडियो के रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। राखी सावंत ने जो भी किया है ये उसका और अल्लाह के बीच का मसला है। स्टीकर एक बात, अभी इस वीडियो में सिर्फ मस्जिद नबी का व्यू है। एक और वीडियो देखा है मैंने जिसमें वो मस्जिदुल हराम में भी मौजूद है, तो मस्जिद नबी में वो लोगों के साथ सेल्फी खींच रही है या मस्जिदुल हराम में कोई उस कोई एक शख्स से उसके बारे में बदवा दे रही है उसको और या जो भी कर रही है, ये उसका और अल्लाह का बीच का मसला है और दिल का हाल अल्लाह जानता है। तो बराए करम लोगों को इस बात से इज्तनाब करना चाहिए कि वो उसको बुरा भला कहे, क्योंकि अल्लाह जो है शर से खैर और खैर से शर निकालना जानता है। तो अल्लाह की मसलियतों को हम नहीं जानते, अल्लाह के प्लान्स को हम नहीं जानते, तो लोगों को चाहिए कि जो बुरे कमेंट्स हैं, मनफी कमेंट है, वो ना करें राखी सावंत के बारे में। अपनी ज़बान को पाक रखिए इससे, ताकि राखी सावंत अगर वाकई में अल्लाह ने उसको हिदायत दी है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसके लिए बेहतर होने के लिए दुआ कीजिए, ना कि उसको ट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ट्रोल ना कीजिए, क्या पता उसकी वजह से किसी और को हिदायत मिल जाए और वो इस्लाम की तरफ मायल हो जाए। तो राखी सावंत के बारे में किसी भी तरीके की राय कायम करने से पहले एक बार सोच लीजिए और दिल का हाल अल्लाह जानता है, और इस बारे में अपनी ज़बान को खामोश रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।